हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 27 और 28 फरवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी एग्जाम जो अगले 6 महीनों में होंगे उन सब के लिए जरूरी हैं। फ्रेंड्स, 27 फरवरी को हम लोगों ने वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया है। सॉरी, ये जनवरी नहीं है, फरवरी है। 27 फेब को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया है। नेशनल प्रोटीन डे मनाया गया है जिसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया है, जिसे हम लोग पोलियो रविवार भी कहते हैं। और नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। दोस्तों, जो नेशनल साइंस डे है ना, सी वी रमन जी ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में। ये इस दिन की खासियत है। इसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और ये मैंने इसमें मेंशन भी करा है, सर सीवी रमन थे जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट को अनाउंस करा था, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इसलिए ये दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों के लिए ऐसा पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा दिन किस लिए मनाया जाता है। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के डेज हैं या जिनके पीछे इंडिया का कुछ बहुत अच्छा होता है, इंडिया की कोई बहुत ज्यादा फेमस चीज होती है, उस डे के बारे में इस तरह का पूछा जाता है। अब जैसे ये यहाँ पर था हमारे पास पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। तो पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हम लोग फेब के इस संडे को मनाते हैं, ठीक है, 27 फरवरी के संडे को हम लोगों ने मनाया गया है। और इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने 15 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने की बात करी है। जो भी 5 साल से कम के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को, ऑल अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, करीब करीब 15 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13,020 करोड़ रुपए दिए हैं, 13,020 करोड़ रुपए बॉर्डर इंफ्रा एंड मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, इसके अंदर 13,020 करोड़ रुपए दिए हैं। दोस्तों, जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना, 15th फाइनेंस कमीशन, इसके लिए एक सेपरेट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो आप लोगों के आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम और जो बाकी आईबीपीएस रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सबके लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा, उसे आप ध्यान से देखिएगा। 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो भी उसकी लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज है वो सभी उस वीडियो में कवर होंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च करा है। यूक्रेन में फ्रेंड्स, जो इंडियंस फंसे हुए हैं वहां पे, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, दूसरे कुछ इंडियंस हैं जो वहां फंस गए हैं बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट, तो उन्हें यूक्रेन से वापस इंडिया लेकर आने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जम्मू कश्मीर का, इसने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ टाई अप करा है। किस लिए? फॉर एकेडमिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन फॉर डेवलपिंग अल्ट्रा मॉडर्न टेरिटरी कैंसर केयर फैसिलिटीज। तो कैंसर केयर फैसिलिटीज बनाई जाएंगी जम्मू कश्मीर में वहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ में टाई अप किया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, दोस्तों इसको हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ब्रिक्स बैंक जो कि शंघाई में है, ठीक है, शंघाई चाइना में है ब्रिक्स बैंक। ये फर्स्ट ऐसी मल्टीलेटरल एजेंसी बन गई है जिन्होंने गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस ओपन करने की बात बोली है। जल्द ही न्यू डेवलपमेंट बैंक अपना एक ऑफिस गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में ओपन करेगा। कनाडा फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने प्लांट्स पे बेस्ड, मतलब प्लांट्स के थ्रू कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है और उसे यूज भी किया है। दोस्तों, जो वैक्सीन है ना 18 से 64 इयर्स के एज ग्रुप के लिए है। माधवीपुरी बक बुच, क्या बोलेंगे आप, माधवीपुरी बुच जो है फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है सेबी की। इन्होंने अजय त्यागी को रिप्लेस करा है, अजय त्यागी को रिप्लेस करके माधवीपुरी बुच, एक तो ये सेबी की चीफ बनी है, न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्लस फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है, इसलिए ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया सेकेंड कंट्री बन गया है आफ्टर चाइना जिन्होंने T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करने की बात बोली है। इसको फेज मैनर में किया जाएगा,
टी प्लस वन स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म। दोस्तों ये न्यूज आपके आरबीआई एग्जाम सेबी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक इंडिया के पास टी प्लस टू सिस्टम था, उससे पहले टी प्लस थ्री सिस्टम। तो ये होता क्या है, टी प्लस वन का मतलब होता है कि जो भी ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट होते हैं ये ट्रांजेक्शन के विद इन वन डे हो जाने चाहिए। पहले क्या था, पहले ये दो वर्किंग डेज में होता था, तो इसलिए पहले हम इसे टी प्लस टू डेज करते थे। टी इज द डे जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई, प्लस वन की उसके एक दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और जब टी प्लस टू डेज था तब टी जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई वहां से टू डेज के अंदर अंदर सेटलमेंट हो जाता था। तो अभी तक चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टी प्लस वन स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म का। नाउ इंडिया इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू इंप्लीमेंट दिस। बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन होगा दोस्तों अगरतला त्रिपुरा में। त्रिपुरा अगरतला में बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन होगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोस्तों CIAL, ठीक है, 12 मेगावाट पावर का सोलर पावर प्लांट लगाएगा अपने यहां। तो ये उससे सोलर से चलेगा। दिल्ली को इंडिया का फर्स्ट वेस्ट टू इको ई वेस्ट इको पार्क मिल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि वो इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाएंगे दिल्ली में। आगे देखते हैं, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर जो है दोस्तों LSRC, इन्होंने सेकेंड LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है 2022 की। लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर LSRC इन्होंने सेकेंड LG कप ऑफ आइस हॉकी टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, दोस्तों प्रोफेसर भूषण पटवर्धन NAC के चेयरमैन बन गए हैं। NAC होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जो कि बेंगलोर में है। हेड ऑफिस या फिर इसका ऑफिस बेंगलोर में है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। दोस्तों जो कॉलेजेस होते हैं ना, यूजुअली कॉलेजेस की एक्रीडेशन या फिर रेटिंग करते हैं ये एक तरह से। आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस का देखिएगा, मैनेजमेंट कॉलेजेस का देखिएगा, वो NAC एक्रीडेटेड होते हैं, ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। इनके अलग अलग कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग करते हैं A B इस तरह से। जैसे आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है कस्टमर्स के लिए, कंपनीज के लिए फाइनेंशियल वे में, सेम वे कितनी अच्छी एजुकेशन है, कितना अच्छा वहां की फैसिलिटीज है, कितना अच्छा इंफ्रा है, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर NAC एक्रीडेशन करता है कॉलेजेस का। तो इसके चेयरमैन बन गए हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। टेन किमहर दोस्तों मलेशिया के हैं, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर थे ये पहले। इन्हें इंडिया की डबल्स टीम का कोच बना दिया है बैडमिंटन में एशियन गेम्स 2026 तक के लिए। एशियन गेम्स 2026 तक के लिए इंडिया के डबल्स का कोच बना दिया गया है टेन किम हर को, जो कि मलेशिया से है। समीरन गुप्ता जो है ट्विटर का पब्लिक पॉलिसी और फिलैंथ्रोपी एफर्ट्स को हेड करेंगे इंडिया और साउथ एशिया में। समीरन गुप्ता ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी और फिलैंथ्रोपी एफर्ट्स को हेड करेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सादिया तारिक। तो सादिया तारिक इंडिया की वुशू प्लेयर है। इन्होंने जूनियर टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि मॉस्को वुशू स्टार चैंपियनशिप 2022 हो रही थी। मॉस्को वुशू स्टार चैंपियनशिप 2022 कहां हो रही होगी, नाम से हमें पता चल रहा है रशिया में हो रही थी। जूनियर है तो इसलिए एक जूनियर कैटर के प्लेयर है, एज इनकी लेस देन 18 ईयर्स की एज के होंगे। तो इनकी 15 ईयर्स की एज है और ये जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से है। सादिया तारिक जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से है। इन्होंने जूनियर टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है मॉस्को वुशू स्टार चैंपियनशिप 2022 में, और ये 15 साल की हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडिया ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने 8 मेडल्स जीते हैं, टोटल 8। उन 8 में 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रोंज है। 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज, ये इंडिया की फाइनल टैली आई है सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में। राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं। इन्होंने ब्रिटेन के कैमरन नॉरी को हरा दिया है। ये खैर इनका स्कोर मैटर नहीं करता। इन्होंने कैमरन नॉरी को हरा के मैक्सिकन ओपन 2022 जीत लिया है। इसको एकापुल्को टाइटल भी कहा जाता है। राफेल नडाल ने एकापुल्को टाइटल या फिर मैक्सिकन ओपन 2022 जीत लिया है कैमरन नॉरी को हरा के। राफेल नडाल कहां से है, स्पेन से है। इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों एक्सरसाइज हो रही थी कोबरा वॉरियर यूके में, हमने 2 या 3 दिन पहले की न्यूज में पढ़ा था। नाउ ड्यू टू दिस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट इंडियन एयरफोर्स ने एग्जिट कर दिया है कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, इसका कॉन्टेंट अच्छा लगा,
प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई आपका फीडबैक है मेरे लिए, इस वीडियो के लिए, मेरे कंटेंट के लिए, बाकी किसी वीडियो के लिए, आप मेरे को फेसबुक पर अप्रोच कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप मेरे को कमेंट में ही बता सकते हैं। आप में से काफी सारे लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर पर्सनली जुड़े हुए हैं, आप लोग वहां मेरे को फीडबैक दे सकते हैं कि मैं कैसे इसको और ज्यादा इंप्रूव करूं और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल बनाऊं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।